तो आज की जो हमारी क्लासेस है वो क्लासेस है पिक्चर लुकअप की। जी हाँ, पिक्चर लुकअप। जैसे वी लुकअप में हम डेटा लुकअप करते हैं, ऐसे हम पिक्चर लुकअप के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ राकेश जी है। राकेश जी, बस कुछ सेकंड में क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। तो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख अच्छा, रहे ये हैं। वी लुकअप और ये पिक्चर लुकअप दोनों अलग अलग चीज हुआ ना? जी हाँ, अलग है, मेथड है लुकअप का, बट अलग अलग है। ओके, ओके, स्टार्ट करें हाँ बस बिल्कुल। कुछ सेकंड में। तो YouTube पे जो मेरी वीडियोज को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरी वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरी सिक्वेंसली वीडियोज के लिए मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, iOS एंड प्ले स्टोर दोनों का। चलिए शुरू करते हैं। तो पिक्चर लुकअप, हमने बात की पिक्चर लुकअप की। अब वी लुकअप यूज करते हैं सर आप, राकेश जी? हाँ, वीलुकअप करता हूँ लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है। ओके, अब वी लुकअप में क्या करते हैं, एक डेटा को लुकअप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रोल नंबर है या एक एक कस्टमर का आईडी नंबर है, उसे डालते हैं और कस्टमर की पूरा डिटेल उठा लेते हैं, राइट? राइट। पिक्चर लुकअप में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने सेम उसी का यूज करते हुए आपके पास एक डेटाबेस है, स्कूल का डेटाबेस है। मान लीजिए, सपोज दैट कि आपके एक स्कूल का डेटाबेस है, राइट? तो ओके, वहां पे क्या है कि आपने रोल नंबर डाला, आपने यहाँ पर रोल नंबर डाला, रोल नंबर डालते ही क्या हुआ, स्कूल की पूरी उस स्टूडेंट का पूरा हिस्ट्री आ गया डेटा सूट के। नाम क्या है, फादर नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन क्लास में पढ़ता है, कब एडमिशन लिया, कब कब फीस जमा किया, वगैरह वगैरह, राइट? आपने वी लुकअप से नॉलेज करेक्ट मंगा लिया। करेक्ट। लेकिन अगर मैं उसका फोटो लाना चाहूं तो वी लुकअप फोटो तो नहीं लाएगा ना सर, वो वील का फोटो क्योंकि नहीं हाँ, लाएगा। क्योंकि कोई भी फोटो जो होता है एक तो है कि आपको किसी फोल्डर के फाइल में पड़ा हुआ है तो वहां से लुकअप करेगा नहीं। आपने एक्सेल सीट पे कहीं पे रख दिया तो वी लुकअप डेटा लुकअप करता है, ना कि पिक्चर, क्योंकि पिक्चर किसी सेल वैल्यू का पार्ट नहीं होता है, वो ओवर द सेल होता है। तो इसी चीज को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके साथ। तो सबसे पहले मेरे पास मान लीजिए कि हम एक एरिया को लुकअप करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैंने कुछ कुछ एक छोटा सा समरी बना देता हूँ। मैं आपको दो एग्जांपल देंगे इस पे, ठीक है सर? तो हमने जैन लिया, यहाँ पे नीचे ड्रैग कर देते हैं, डेटा बना देते हैं छोटा सा। और YouTube में जो वीडियो में देख रहे हैं उनके लिए बता दूं सर कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि एक कंसेप्ट है। कोई वी लुकअप एच लुकअप नाम का फॉर्मूला नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट जो है जिस कारण से ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और समझने के लिए आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा। और मैं एक और डेटा यहाँ पे बना लेता हूँ अर्खित जी, नेम वाइज, ठीक है? तो मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल्स समरी है, मतलब कि सेल समरी है, तो हमने एक मंथ वाइज सेल समरी बना रखा है और एक हमारा नेम वाइज हमने सेल समरी बना रखा है, ठीक है सर? ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों को अलग अलग कलर दे देते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ भी हम कलर अलग कर देते हैं, इसका कलर ब्लू कर देते हैं। और हम एक काम और करते हैं, इस पे हम एक चार्ट भी बना देते हैं, ठीक है? एक चार्ट, सिंपल सा एक सिंपल चार्ट ही ले लिया, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हल्का है चार्ट। और ये चार्ट के फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, ब्लैक में रहेगा। इस पे भी हम एक चार्ट ले लेते हैं, और यहाँ जो है हम इसको इंसर्ट, हमने यहाँ से एक इसको मैं लाइन चार्ट में रहता हूँ, ठीक है सर? और उठा के इसके साथ में रख दिए। दो अलग अलग हमारे पास कैटेगरी के रिपोर्ट है जो कि मेरे डेटा से उठ के आया है। करेक्ट। इस मेथड के यूज ज़्यादातर हम लोग डैशबोर्ड में करते हैं, ठीक है सर? अब यहाँ पे हम मान लीजिए एक हेडिंग में दे देते हैं अगर हमें ज़रूरत है तो। हमने इसको मर्ज कर दिया और इसको कर देता हूँ ब्लैक, इसको कर देता हूँ
कलर कर देता हूँ वाइट, और इसको लिख देता हूँ मंथली सेल्स समरी, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। राकेश सर रिकॉर्डिंग परमिशन ऑन करोगे? हाँ दीप जी, आज लेट आए हैं आप, क्या हुआ? सर एक्चुअली ना गलती से इंस्टॉल हो गया, दोबारा इंस्टॉल करके। अच्छा 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 ऐसी गलती मत किया कीजिए। और ये रहता है सेल्स सेल्स, और इसको मैं ब्लैक नहीं रखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। और ये जो बार बार डेटा चेंज हो रहा है ना हमारे रैन बिटवीन फॉर्मूले की वजह से, हमने कॉपी करके इसको वैल्यू पेस्ट कर देते हैं तो फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा, राइट सर? राइट। तो मेरे पास ये दो तरह के दो दो डेटा समरी है, राइट? दो से ज्यादा भी हो सकता है, या चार पांच भी हो सकते हैं। ओके। अब मेरे पास एक समरी शीट है जहां पे हमें रिपोर्ट दिखाना है, राइट? अब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स और भी बहुत सारे मेरे डेटा है, समरी है, मान लीजिए एक तरह से डैशबोर्ड जो बनाते हैं हम लोग। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक बार में दोनों ये दिखाने नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्ट देख रहा है उसको दोनों की जरूरत पड़ेगी। वो कभी, क्योंकि मान लीजिए रिपोर्ट बना के हम 10 लोगों को भेजते हैं, अब 10 लोगों में हो सकता है कि 8 को जो है जब मंथली सेल्स देखने की जरूरत है, और 2 को जो है मंथली और सेल्स दोनों देखने की जरूरत है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप 2 है मतलब मान लीजिए इसी तरह से 5-7 अगर होगा, तो वहां पे रिपोर्ट पूरा 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 विंडो है, जो रिपोर्ट विंडो है ये समरी ही ले लेगा ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपेयरिंग है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो नहीं डाल पाएंगे। दूसरा ये चीज है एक्सिस है, मतलब कि अपने हिसाब से देखेगा। सो मैं चाहता हूं यहां पे एक ड्रॉप डाउन बने सेलेक्ट, और यहां पे ड्रॉप डाउन बने, और मैं डेटा वैलिडेशन में जाके हम लिस्ट में जाके एक ड्रॉप डाउन बना देता हूं, ठीक है? मैंने बोल दिया यहां पे नेम, यहां पे डेटा नेम नेम एंड कॉमा एसओ सेल्स ऑफिसर, ठीक है? ओके, हमने इसको लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि जैसे वो एस नेम सेलेक्ट करें तो हमारा जो पर्सन वाली सेल है, मंथ ये पर्सन वाली सेल है वो आ जाए सेल नेम, नहीं माफ कीजिए हमने गलती कर दी, यहाँ मंथ होना चाहिए था। अच्छा ये पिक्चर व्यू लुकअप का पार्ट है या कोई और टॉपिक हम लोग कर रहे हैं? पिक्चर व्यू लुकअप का ही पार्ट है। ओह अच्छा, ठीक है। मंथ कॉमा मतलब कि आपको किसी इस पे ड्रॉप डाउन बनाना है किसी सेल पे, तो आप हाँ। इसका यूज कर सकते हो डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, ठीक है? वहां okay. कॉमा कॉमा करके लिख दीजिए अपने लिस्ट, तो आपको इस सेल में इस तरह का ड्रॉप डाउन आ जाएगा, राइट? डेटा वैलिडेशन, ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो हम चाहते हैं कि नेम सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट किया तो सीट 2 का मंथली डेटा यहां पे उठ के आ जाए, राइट? ओके यस। अगर मैं यहाँ पे एसओ सेलेक्ट किया तो यहाँ सीट का एसओ का डेटा उठ के आ जाए, क्लियर है? क्लियर है। अब हम चलिए प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट में जाके हम ग्रिड लाइन हटा देते हैं इस तरह से। अब जैसे कि हमने एक डेटा को सिलेक्ट किया, एक को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, राइट? इतना है। ओके। हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ जो है पिक्चर लिंक कर दिए, राइट? ओके, पिक्चर लिंक हो गया। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जो किए अभी मंथ वाइज वाला सेल को किए, अब मुझे अब सिटी इसको नेम वाइज को लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे? हालांकि मैं कल मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से इसकी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसका एड्रेस मान लीजिए होगा आपका कि A19 से लेके J36, राइट? करेक्ट करेक्ट। समरी में अगर हम A19 ले लेते हैं और यहाँ पे J36 कर देते हैं तो पूरा पूरा कैप्चर हो जाएगा एरिया। हाँ तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? सेल्स वाइज, नहीं दोनों नहीं आएगा, सेल्स वाइज। A19 से शुरू किया है ना सर? अच्छा हाँ हाँ ठीक है।
अब इतना बड़ा एरिया को चेंज करना तो कॉम्प्लिकेटेड है ना सर, कोई चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। ओके तो हमने क्या किया, इन दोनों का एक निकनेम डिफाइन कर दिया। कहां से करेंगे? हम करेंगे यहां फॉर्मूला बार से। लेकिन निकनेम डिफाइन करते समय ध्यान रखिएगा कि जो ड्रॉप डाउन आपने बनाया है वही नाम रखिएगा, ठीक है? ओके तो इसको हमने इस ए मंथ वाले एरिया को सिलेक्ट करके डिफाइन नेम में गया और यहां पे हमने कर दिया MONTH मंथ, राइट? अब ओके इस सिलेक्टेड एरिया को कंप्यूटर जो है हमारा एक्सेल जो है मंथ के नाम से जानता है, ठीक है? और फिर सेम इस एरिया को भी हमने सिलेक्ट किया और इस एरिया को हम यहाँ डिफाइन नेम देते हैं किसके नाम से? एसओ एसओ के नाम से, राइट? तो हाँ अब डेटा यहाँ पे आते हैं और जो पिक्चर लिंक हमने किया था उसके ऊपर इसको डिलीट करके अगर मैं यहाँ पे मंथ लिख दूँ, ठीक है? तो मंथ का डेटा पिक कर लिया। मैं एसओ लिख लूँ तो एसओ का डेटा पिक कर लेगा, समझे? ओके अच्छा यहाँ वहां तक लिखने के बजाय, वहां लिखने के बजाय अगर फिल्टर करेंगे तो नहीं होगा नहीं, कॉलम सी। मैं वन बाय वन बता रहा हूँ सर, पेशेंस रख के देखिए, ठीक है सर? हाँ तो आपने भी अभी तक आपने देख लिया कि मेरा डेटा ऑटोमेटिक उठ के आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उस पिक्चर पे सिलेक्ट करके मुझे ऊपर में फॉर्मूला बार में लिखना पड़ता है, क्लियर है? ओके लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि मुझे इस ड्रॉप डाउन से लिंक करना है, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को समझिए क्या है, जैसे मैं एक अलग समझाता हूं आपको। प्रॉब्लम ये है कि आपने यहां इक्वल ए वन लिखा लिखा ना सर, ओके तो इस सिस्टम में रिकॉग्नाइज कर लिया कि ए वन हमारा सेल का एड्रेस ए वन है, करेक्ट करेक्ट? आपका वैल्यू दे दिया, लेकिन आपने क्या किया, एक दूसरे सेल पे ए वन लिख दिया। अब आप कहते हैं कि इसको पिक किया आपने, तो सिस्टम कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि ये जो ए वन है हमारा एड्रेस ए वन है और A1 नंबर देगा, ये सीधे ए वन ही शो कर देगा। इसको एक सिर्फ A1 शो एबीसीडी करेगा। एबीसीडी और टेक्स्ट को समझेगा, समझ गया? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट का। इनडायरेक्ट क्या करता है कि इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है रेफरेंस में, मतलब सिस्टम को बताता है कि ए वन नहीं है, ए वन एक रेफरेंस है। तो यहां पे आ गया, इनडायरेक्ट F5 समझे? क्लियर है? क्लियर है। अब यहां पे आते हैं। अब जैसे यहां पे मैंने एसओ सेलेक्ट किया हुआ, राइट? अब सिस्टम इसको एसओ एज अ नेम जो हमने डिफाइन किया हुआ है इस एरिया को नहीं मान रहा है। तो अगर मान लीजिए हम सम का ही फॉर्मूला लगाते हैं और सम के फॉर्मूला में हम एसओ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जीरो देगा, क्योंकि सम कभी नहीं समझ पाया कि ये जो एसओ है एक टेक्स्ट नहीं है, एक एरिया का नाम है। हाँ, यही मैं इन डायरेक्ट एसओ लिखूंगा तो वो रिकनाइज करके सम दे देगा आपको, ठीक है? लेकिन किसी किसी सेल पे लिख के दूंगा तो नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। तो इसी चीज के लिए यहां हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? इनडायरेक्ट लगाएंगे। अब इनडायरेक्ट क्या करेगा, अब यहां पे देखिए फॉर्मूला एवलेट पे बताता हूं कि इनडायरेक्ट ने क्या किया। इनडायरेक्ट को मिला एसओ इन्वर्टेड कॉमा में, मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेट में। इनडायरेक्ट ने ढूंढा कि एसओ नाम का कोई रेफरेंस है, निकनेम या सेल एड्रेस कोई है, तो उसको उसने कन्वर्ट करके सम को दे दिया। अब सम को एक्चुअल एड्रेस मिला है, जैसे वो मिलता है उसको फॉर्मूला लगाते समय, तो उसने उसको सम कर दिया, राइट? सेम थिंग अगर मैंने यहाँ पे क्या आपका C4 है ना, मैंने C4 लिख दिया तो C4 का यहाँ पे दिखाएगा आपको, C4 पे लिखा हुआ SO का एरिया नहीं शो करेगा, क्योंकि यहां भी ये C4 को एज ए टेक्स्ट ले रहा है, राइट? और उसी टेक्स्ट को शो कर रहा है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है, जैसे भी हमने सम के अंदर इनडायरेक्ट लगा दिया था, क्या हम इसके अंदर भी इनडायरेक्ट लगा दें? इनडायरेक्ट, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन एंटर मारने से पहले बता दूं ये वर्क नहीं करेगा।
क्योंकि आपका जो पेस्ट एज ए लिंक है वो कहता है कि मैं डायरेक्ट रेफरेंस या डिफाइन नेम लेता हूं, बात समझे? मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यहां पे लिखा हुआ ना, फॉर्मूला इज मिसिंग रेंज रेफरेंस और डिफाइन नेम। तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना आप तो व्यर्थ ही है। लेकिन इसने बोला कि मैं डिफाइन नेम लेता हूं और डिफाइन नेम कहता है कि मुझे कुछ भी दे दो। तो मैंने क्या किया, एक नाम बना दिया, एक और बना दिया कि मैंने एसएच नाम का या शो नाम का, एक शो नाम का हमने एक नेम बनाया। उसमें हमने क्या किया, ये जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला था वो लगा दिया, ठीक है, और फिर एसओ को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहां मंथ पे शो को शो कर देता हूं, शो। अब देखिए आपका परफॉर्म करेगा, कर रहा है? तो सिंपल सी बात को समझिए, मैं मोटा मोटी समझा रहा हूं। मेरे पास दो एरिया था, हमने दो एरिया के सबसे पहले नेम को डिफाइन किए, राइट? हम दो एरिया को नेम का डिफाइन किए और जो नेम हमने डाला था उसी का सेम स्पेलिंग में यहाँ ड्रॉप डाउन बनाया, किसकी मदद से? डेटा वैलिडेशन की, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, किसी एक को कॉपी किया और पेस्ट एज ए लिंक कर दिया यहाँ पे, राइट? उसके बाद हमने एक तीसरा बनाया शो नाम का, उसमें हमने इनडायरेक्ट जो ड्रॉप डाउन था उसको इनडायरेक्ट में दे दिया। अब हुआ क्या कि हमने ये जो कॉपी से लिंक किया था उसमें जो एड्रेस था उस एड्रेस को हमने शो में डाल शो लिख दिया, राइट? अब क्या होता है कि जैसे यहाँ चेंज होता है, मान लिया हमने मंथ चेंज किया, तो मंथ चेंज करते ही शो में जो इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगा है वो मंथ का रेफरेंस रेफर कर देता। जैसे मैं एसओ सेलेक्ट करता हूँ, शो में लगा हुआ इनडायरेक्ट फॉर्मूला एसओ को कन्वर्ट कर देता है। हम एसओ का हमें क्यों बनाना पड़ा, इसलिए बनाना पड़ा कि जो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हमारा पिक्चर लुकअप जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ डिफाइन नेम करता है और डिफाइन नेम बोलता है मैं कोई भी फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेता हूँ, राइट? क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे बनाया, ए हो गया हमारा ए चीज। आप बोलेंगे सर इसमें तो आपने कुछ बहुत आगे की चीजें बता दी, इसलिए कल हमने आपको वीडियोज भेजा था देखने के लिए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है कि आपको उतना ही यूज होगा जितना मैंने आपको सिखाया हुआ, हो सकता है उसमें कुछ आगे, क्योंकि प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लम होती है, समझ गए? वीडियो रिकॉर्डिंग जो पिक्चर व्यू लुकअप था वो टोटली ये डिफरेंट था सर, उसमें फोटोज कैसे इंसर्ट करते हैं पिक्चर का, वो था ये वाला पार्ट। मतलब एक ही चीज में कांसेप्ट तो यही था ना, वहां भी मैंने एक नेम डिफाइन किया ही था ना सर। अब एक ही चीज को पढ़ाऊंगा तो सर बोर भी हो जाएंगे हम क्या? अब चलिए फोटो वाला जो पार्ट था उसको भी समझा देता हूं, उसको समझ में आएगा, उसको समझाना पड़ेगा, बता दीजिए। ये समझ में आया था फोटो इंसर्ट, लेकिन जैसे कि डाटा आपने डाला था 1 2 3 4 करके, उसके आगे नाम डाल दिया, तो उसी रो में नहीं लिख रहे हैं, उसके नीचे लिखते जा रहे हैं फॉर्मूला। नहीं, आप गलत समझाए थे, सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फोटो के लिए एक लोकेशन क्रिएट करना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, फिर हमें फोटो का डेटाबेस बनाना पड़ेगा, राइट? ये हमने एक फोटो के लिए बनाया, ये हमारा फोटो हो गया, ठीक है। अब यहां पे हमने हमारा रोल नंबर है, ये क्या है हमारा रोल नंबर, ये हमारा फोटो है, ठीक है। अब यहां पे 1 2 3 4 एंड 5, हमने 5 ही मान लीजिए, 5 फोटो है। अब मैं क्रोम से गूगल फोटो से कोई 5 फोटो उठा लेता हूं, मैं राकेश आप ही का नाम सर्च करता हूँ, देखिए कौन कौन आता है। तो सब बुरे बुरे हैं सर, एंगर आई ना, एक ही आदमी का फोटो ज्यादा है, फेमस भी होगा। चलिए
अब फोटो को जो रखना है सर, या एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम फोटो रखेंगे वो हम एक सेल, जो हमने सेल का जो साइज लिया है उतने अंदर होना, क्योंकि आपका फोटो को कुछ नहीं करेगा, फोटो को लुकअप नहीं कर रहा है वो, उसके इस सेल को लुकअप करेगा, ध्यान रखिएगा। पिक्चर लुकअप जो है वो डेटा या फिर चार्ट को लुकअप नहीं किया है, ये जो इसमें था उसने इस एरिया को लुकअप किया है जो हमने एरिया दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका फोटो अगर इस एरिया से बाहर जाएगा तो फिर वो फोटो कटा हुआ दिखेगा, इसलिए आपको फोटो जो रखना है इस सेल के अंदर ही रखना है, ये सबसे बड़ी एक काम की बात है जो मैं बताया आपको, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि फोटो को ऐसे ही रख देते हैं और इस कारण से उनको प्रॉब्लम होती है, बाद में मुझे बताना पड़ता है कि फोटो आप सेल के अंदर ही रखेंगे, सेल के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर फोटो आपको बड़ा बड़ा दिखाना है तो आप फोटो को बड़ा साइज में कर लें, ठीक है। लेकिन जहां लुकअप पिक्चर लुकअप होगा वहां तो बड़ा कर ही सकते हैं ना सर, तो इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तीसरा दो और चाहिए, जो अभी इस पिक्चर लुकअप के पहले इंसर्ट वो लिंक करके जो स्नैपशॉट हमने देखा, समरी देखा, वो डैशबोर्ड का पार्ट है, मतलब वो और डिटेल डैशबोर्ड में आएगा या ऐसा? हाँ, डैशबोर्ड में। अभी आपको हमने पिक्चर लुकअप के बारे में बताया कि पिक्चर लुकअप अकेला कुछ नहीं करता है, लेकिन जब इस तरह के एग्जांपल पे आता है तो पिक्चर लुकअप एक अच्छी तरह से परफॉर्म करता है। Okay. और आगे जब फॉर्मूले को जानेंगे तो उसको और डिटेल में आप पढ़ लेंगे, लेकिन पिक्चर लुकअप, पिक्चर लुकअप कुछ मतलब पिक्चर है, पेज से लिंक ही है ना, और कुछ आगे थोड़ी है उसमें। अब उसमें आप एग्जांपल्स के हिसाब से कुछ और ऐड कर सकते, जैसे मैंने अभी इसको यूज किया, अभी फोटो वाला यूज कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे इसके बारे में जानेंगे आप अच्छी चीज कर सकते हैं ना उसके अंदर, और चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कंसेप्ट है वो एक कंसेप्ट है, आप उसको आप अपने हिसाब से जैसे यूज किए, ओके, ठीक है। जैसे हमने 5 फोटो यहाँ रख लिया, राइट। अब मान लीजिए अभी इसी फाइल पे कर देता हूँ, ठीक है सर, नहीं इस पे, हाँ इसी पे कर देता हूँ, चलिए रोल नंबर, अब मैं 1 लिखूँ तो मुझे यहाँ पे इसका फोटो दिख जाए, राइट, ओके, मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फोटो को कॉपी किया, राइट, और हमने पेस्ट ऐसे क्या कर दिया, पिक्चर लिंक, क्लियर सर, ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए B2 से आया, B2 आया होगा ना, अब यहाँ B3 करेंगे तो B3 का फोटो आएगा, B4 करेंगे तो B4 का फोटो आएगा, अब B5 करेंगे तो B5 का फोटो आएगा, क्लियर है, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो रोल नंबर हमारा है ये यहाँ पर है, ठीक है, रोल नंबर हमारा जो है यहाँ पर है। अब इस रोल नंबर को कैसे, इसको फोटो के साथ कैसे लिंक करें, क्योंकि 1 2 3 नंबर है और ये अभी तो 1 2 3 है, हो सकता है 101 या 1116345 ऐसे बड़े नंबर भी हो ना सर, करेक्ट। मुझे इसका रोल नंबर चाहिए, क्या चाहिए, रोल नंबर 1 2 3 5, क्योंकि यहाँ पे B1 B2 B2 B3 इस तरह से नंबर्स है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है रोल नंबर लाने के लिए, मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी रो या कॉलम में सर्च करता है। लगाने का तरीका सिंपल है कि सेल वैल्यू रो एंड कॉलम का पाथ एंड 0 कर दीजिए, क्लियर है। ये क्या करेगा, इसका रो इंडेक्स नंबर लाता है, 1 का इसने 2 ला दिया, अब जो भी नंबर यहां डालेंगे उसका रो नंबर हमें दे देगा, ठीक है, ठीक है, हाँ। रो नंबर मिल गया हमें। अब प्रॉब्लम, अब हमें पता है हमारा कि हमारा कॉलम का ये कॉलम कौन सा है, कॉलम बी है ना, तो मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा में बी को लिखा, ठीक है। अब B के साथ हमने कॉनकेट एंड परसेंट, हम दो टेक्स्ट को ज्वाइन कर सकते हैं सर, ठीक है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ले लिया तो ये आ गया B5। जैसे ऊपर यहाँ पे B2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये आ गया B2 आ गया, मतलब कि यहाँ B2 की वैल्यू, अगर 2 करेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा, तो B3, मतलब कि यहाँ पे अगर B3 हम करेंगे तो B3 का फोटो
आ गया। अब प्रॉब्लम ये है, अभी जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था कि हमारा एसओ इसके साथ कैसे लिंक, समझे? सेम प्रॉब्लम यहाँ आ गया कि जो B3 है इसके साथ कैसे लिंक हो। और B3 तो टेक्स्ट में, सबसे पहले तो सिस्टम समझेगा यानी कि B3 क्या है, राइट? तो इनडायरेक्ट फॉर्मूला बताएगा इस चीज को, इनडायरेक्ट फॉर्मूला फोटो सपोर्ट करेगा नहीं। तो यहां भी हम एक डिफाइन नेम लेंगे, क्या लेंगे? डिफाइन नेम। यहां भी हम उसका नाम फोटो कर देते हैं, राइट? और फोटो पे यहां हम इक्वल इनडायरेक्ट फॉर्मूला, इनडायरेक्ट फॉर्मूला, और इस इनडायरेक्ट फॉर्मूला में हम आई के साथ जो B3 है इस B3 को सिलेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डॉलर साइन होना चाहिए, ऑटोमेटिक आ जाता है, कभी नहीं आता है तो डॉलर लगा दीजिएगा, एंड ओके कर दिया, ठीक है? ओके। इस पे जो है यहाँ जो नॉर्मली जो हम B3 लिखते थे, B3 के जगह पे हम लिख देते हैं फोटो, ठीक है? अब यहाँ देखिए, हमने रोल नंबर 1 डाला, फोटो आ गया, रोल नंबर 2 डाला, फोटो आ गया, 3 डाला, फोटो आ गया, 4 डाला, फोटो आ गया, 5 डाला, फोटो आ गया, राइट? क्लियर है? ठीक है, फिर आउट इसमें सर, मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा तो ज्यादा और क्लियरिटी मिलेगी जी, हाँ, तो फिर उसके बाद में डाउट हुआ तो सामने से आके बताऊंगा। अब इसमें एक चीज और भी है, यहाँ पर 6 डाल दिया तो एन ए आ गया, फोटो चेंज हुआ नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब एन ए आ जाए तो वो जो है बाय डिफॉल्ट हमारा एक यहाँ पे हम लिख देते हैं नो पिक्चर, नो फोटो नो पिक्चर कुछ भी लिख दीजिए, या क्रॉस लगा दीजिए, क्या हम यहाँ पे राइट क्लिक फॉर्मेट सेल बॉर्डर लंबा वाला बॉर्डर लिया, कलर रेड कर दिया, हमने इनसाइड लिया और ए साइड का लिया, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट इसका इफ एरर का, समझे? इफ एरर फॉर्मूला क्या करता है कि इसके अंदर दो वैल्यू डाल सकते हैं, पहला अपना फॉर्मूला डालिए, अगर फॉर्मूला एरर दिया, समझे, तो उसके जगह पे क्या चाहिए, तो हम बोला उसके जगह पे हमें D2 चाहिए, समझे? D2 इसका सिलेंडर, तो जैसी एरर देगा वो क्या कर देगा, D2 शो कर देगा, D2 नहीं सर D1 शो कर देगा, नो फोटो, ठीक है? अब बोलेंगे कि इसके इसी जो पिक्चर लुकअप का और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, बट कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट आपका यही है कि आपको पेस्ट जय पिक्चर करना है, और करने के बाद डिफाइन नेम में अपना जो एड्रेस आपने बनाया हुआ है उस एड्रेस को डिफाइन नेम में इनडायरेक्ट के जरिए शो करना है। अब एड्रेस बनाने तक का प्रक्रिया अलग हो सकता है, जैसे कि यहां आपने देखा कि हमने ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल किया, ठीक है, यहां हमने मैच फॉर्मूला और कॉन्करेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन एड्रेस बनने के बाद की प्रक्रिया हर एग्जांपल में सेम होगी, क्लियर है? ओके। अब यही पे डिपेंड करता है, अभी देखिए जब आप ऑफिस में काम प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की सॉल्यूशन के लिए हमें अलग अलग तरीके अलग अलग चीजों के ढंग से सोचना होता है, और जितना ज्यादा आप सोचते हैं कि जितना ज्यादा आप लॉजिक लगाते हैं उतना ही बेटर रिजल्ट आपको मिलता है और उतना ही प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है सर? ओके। और इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था आज से करीब 11 साल पहले। ओके। मैं एक स्कूल का मैं फ्रीलांसिंग करता था, तो मुझे एक स्कूल का डेटाबेस आया था, तो उनको पूरा एक पूरे एक्सेल पे पूरा ऑटोमेट करना था। स्कूल वाले ने मुझे फोन किया था, मेरे लिए एक एक्सेल फाइल बना दीजिए जिसमें मैं अपने बच्चों का अटेंडेंस से लेके टीचर का अटेंडेंस से लेके फीस वीस सब कुछ जमा करो, ठीक है? तो उनको प्रॉब्लम क्या होता था कि एडमिशन फॉर्म जो होती थी, एडमिशन फॉर्म उनको देना होता था फिल करने के लिए, तो उनका कहना था कि मैं अपना डेटा पूरा एंट्री कर लूँ, उसके बाद जब मैं प्रिंट आउट निकालूँ और फिर उसको हम कर दें, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी फोटो की। अब टीचर्स जो है फोटो स्टूडेंट फोटो कभी लाते थे कभी नहीं लाते थे,
तो उनका कहना था कि मेरे पास कलर प्रिंटर है, मैं फोटो लेके डाल दूंगा एक्सेल में, तो जैसे ही एडमिशन हो तो एडमिशन कन्फर्मेशन फॉर्म हो गया, आई कार्ड्स हो गए, वो डायरी पे जो चिपकाने वाला पेज होता है वो हो गया, वो सब ऑटोमेटिक निकल जाए और फोटो उसमें हो, हम फोटो प्रिंट कर देंगे। तो हमने ये चीज़ कराया था कि सामने बोला है। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि फोटो को रखना उनका दिक्कत था, अलग फाइल फोल्डर में रखेंगे, नाम सबके हिसाब से रखना था, पहले हमने वीवी प्रोग्रामिंग की, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ होने लगी कि फोटो को सही साइज में नहीं रखते थे, कोई बड़ा साइज कोई कोसा छोटा साइज, तो वीवी में प्रॉब्लम हो जा रही थी, फोटो सही से होता आता नहीं था। तो हमने ये सिस्टम दिया कि आपके फोटो को इतना बड़ा सेल में क्रॉप करके पहले डाल मतलब दीजिए। डाटा आप प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। हाँ, तो अब वो क्या करते थे, फोटो आता था कॉपी करके पेस्ट करके साइज को रिसाइज करके सेल में, ये थोड़ा सा बेटर था उनके पास ऑप्शन, क्योंकि फोटो हर स्टूडेंट हर पेरेंट्स फोटो अलग अलग डिजाइन के भेजते थे ना, कोई बड़ा कोई छोटा, तो दिक्कत आती थी। हमने बोला कि इसको कुछ नहीं कीजिए, मोबाइल से फोटो खींचिए और अपने मेल पे सेंड कर लीजिए, और मेल पर से डाउनलोड करके कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए आप यहाँ पे, उसमें तो व्हाट्सएप होता नहीं था सर, इसलिए। तो आज की टॉपिक में ही पे खत्म करता हूँ, ये फाइल आप लोगों को मैं भेज देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सके ढंग से, ठीक है। और हम मंडे मिलेंगे आपके साथ, और मंडे जो है आपके साथ हम आगे के चीज फॉर्मेटिंग कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।